केदारनाथ उपचुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों द्वारा अपना प्रचार अभियान भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी ने अनुसूचित जाति समाज के लोगों पर सेंधमारी की शुरू कर दी है। यहां 150 से अधिक लोगों ने भाजपा का दामन भी थाम लिया। बताते चले कि केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों के हिसाब से फिलहाल भाजपा कांग्रेस पार्टी की से काफी आगे दिख रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी व कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर सके हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग का वोट शेयर लगभग 16 से 18 फीसदी है, जिसको अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ही भाजपा द्वारा 17 खाल चौपता मंडल के अंतर्गत चौपता में अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति से विभिन्न राजकीय सेवा भारतीय सेना व क्षेत्र के वर्तमान जनप्रतिनिधि समेत वरिष्ठ लोग अन्य दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इस बीच विधायक भरत सिंह चौधरी ने भी भाजपा का परिवार में स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज अनुसूचित समाज के लोग बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है। वहीं भाजपा केदारनाथ विधानसभा प्रभारी व प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पटका पहनाकर सभी लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि आगे और बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति समाज के लोग भाजपा को उससे जोड़े जाएंगे। भाजपा की सदस्यता लेने वालों में रिटायर्ड DSP प्रेमलाल टमटा, सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी विक्रम लाल सहित बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के भाइयों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर भी विशेषकर केदारनाथ विधानसभा में अनुसूचित जाति का जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़ रहा है। आज चोपता में केदारनाथ विधानसभा के बहुत सारे अनुसूचित जाति के भाई, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व अधिकारी, कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये इसी का परिणाम है कि अनुसूचित जाति के समाज का विश्वास लगातार पुष्कर धामी के प्रति बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका भरोसा बढ़ता जा रहा है, और अभी तो ये प्रारंभ हुआ है। अभी लगातार अन्य क्षेत्र में भी, अन्य गाँव में भी अनुसूचित जाति के भाई, महिलाएँ, रिटायर्ड कर्मचारी और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमको ये सूचना मिल रही थी कि बड़ी संख्या में हमारे दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, और उसी कड़ी में हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया था। 48 घंटे के नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उमड़ उमड़ करके लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, वो इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा में एक नई परिपाटी, एक नई परम्परा प्रारंभ होने वाली है, और अनुसूचित जाति के जो हमारे मतदाता हैं वो तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। आज बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उनका हमने स्वागत किया है, और उनके देखा देखी उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बाकी मंडलों में भी इसी तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं, और उनमें बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं।